मॉर्निंग स्टूडेंट्स, होप यू आर गुड। दिस इज योर सेवेंथ लेक्चर ऑफ क्लास वन सब्जेक्ट इंग्लिश लैंग्वेज। स्टूडेंट, प्रीवियस क्लास में मैंने आप लोगों को कुछ होमवर्क करने के लिए दिया था। ये देखिए बुक, आप लोग, मैंने ये आप लोगों को बोला था कि आप लोग इसे कलर करके लाएंगे, तो आप लोग इसे किए होंगे। ठीक है, तो आप लोग जल्दी से अपने बुक से इसे मैच कर लें। देखिए, ये बोला था कि नेम ऑफ पर्सन, एनिमल्स और बर्ड्स को ब्राउन से कलर करना है, और नेम ऑफ प्लेसेस को ग्रीन से, और नेम ऑफ थिंग्स को पिंक से। ठीक है, तो जैसे आप लोगों को बताया गया था, ये सब किया हुआ है। देखिए, आप लोग इसे मैच कर लीजिए। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, ये हम लोग का चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो रहा है। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम लोगों ने नाउन सीखा है। ठीक है, कि नाउन किसे कहते हैं। तो व्हाट इज़ नाउन? तो वर्ड्स डेट आर यूज टू अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल्स, बर्ड्स और थिंग, डेट इज कॉल्ड नाउन। तो हम लोगों ने नाउन जान लिया है। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, ये है नाउन यही कॉमन एंड प्रॉपर नाउन। ठीक है, नाउन के ही टाइप्स हैं, कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन। ये हमारा नेक्स्ट चैप्टर है। ठीक है, इसे देखेंगे आप लोग। सबसे पहले ये आप लोगों को दिया है, यहाँ पर कुछ आप लोगों को फन के लिए दिया है। देखिएगा, ये बोल रहा है कि एक आप लोग के सामने एक ग्रुप बनाया हुआ है। ये एक टाइप का है, इसमें 1, 2, 3, 4, 5 कॉलम्स बनाए हुए हैं। ठीक है, एक में लेटर है, एक में नेम, एक में प्लेस, एनिमल, बर्ड, थिंग्स। आप लोग ये गेम की तरह भी अपने घर में खेल सकते हैं। ठीक है, देखिए पहले क्या करना है, एक कोई भी लेटर लेना है। ठीक है, जैसे समझिए पी, तो पी से आपको ये नेम लिखना है, तो ये हो गया पूजा, ये पूजा नेम होता है। ठीक है, उसके बाद प्लेस, प्लेस क्या है, पंजाब, जगह का नाम है, एनिमल और बर्ड, एनिमल और बर्ड में से दोनों में से किसी एक चीज़ को लिखना है। तो ये पैरोट, पैरोट क्या है, बर्ड है। ठीक है, उसके बाद है थिंग, थिंग क्या है, पेन। तो ये पी पी से सब हो गया। ठीक है, इसी तरह से आप लोगों को कोई भी वर्ड एक लेना है, लेटर लेना है, और लेटर लेके और इससे आप लोगों को पूरा ये बनाना है, फिलअप करना है। ठीक है, तीसरे से देखिए, डी से, के से, सी से। तो इस तरह से आप लोग को जो मन करेगा, अपना जो भी आप लोग को लेटर अच्छा लगे, उसे आप लोग लेके इसे घर पे इस तरह से आप लोग गेम की तरह खेल भी सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए अब कॉमन नाउन किसे कहते हैं। तो व्हाट इज कॉमन नाउन? ए कॉमन नाउन नेम एनी पर्सन, प्लेस, एनिमल, बर्ड और थिंग इज कॉल्ड कॉमन नाउन। ठीक है, कॉमन नाउन बोल रहा है कि उसे कहते हैं, मतलब कोई भी नेम को, मतलब जैसे कि किसी भी पर्सन, प्लेस, एनिमल और बर्ड के नाम को हम लोग नाउन कहते, कॉमन नाउन कहते हैं। और प्रॉपर नाउन नेम अ स्पेशल पर्सन और प्लेस, मतलब किसी भी स्पेशल पर्सन के नेम को और स्पेशल जगह के नेम को हम लोग प्रॉपर नाउन कहते हैं। ठीक है, तो कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन समझ में आया आप लोग को? तो उससे कुछ रिलेटेड आप लोग को यहाँ एग्जांपल दिया है, इसमें आप लोग समझ लेंगे। ठीक है, ये कॉमन नाउन्स का है और ये प्रॉपर नाउन्स का है। तो ये देखिएगा, कॉमन नाउन में है बॉय, बॉय क्या है, कॉमन चीज़ है। ठीक है, बॉय से कोई उसका नेम नहीं बताया है, लेकिन वही उसका बॉय का अगर नाम ले लेगा रवि, तो ये हो गया प्रॉपर नाउन, क्योंकि ये स्पेशल पर्सन का नाम हो गया। ठीक है, तो ये हो गया प्रॉपर नाउन। इसी तरह गर्ल, ये कॉमन नाउन है, अनु प्रॉपर नाउन, सिटी, सिटी मतलब जगह, कोई जगह को पर्सनली बताया नहीं है इसलिए ये कॉमन नाउन है, लेकिन जब बता दिया मुंबई, तो ये हो गया प्रॉपर नाउन। तो आप लोगों ने कॉमन नाउन प्रॉपर नाउन जान लिया है। ठीक है, तो आप लोग के पास बुक होगा नहीं अभी, आप लोग इसे कॉपी में नोट डाउन करेंगे, कॉमन नाउन प्रॉपर नाउन। ठीक है, और ये एग्जाम्पल के साथ इसका लिखेंगे। ठीक है, इधर देखिए, ये लिखा हुआ है, रीड दिस सेंटेंस अबाउट योर फैमिली, देन फिल इन द ब्लैंक्स करेक्टली, ऑल्सो पेज द पिक्चर ऑफ योर फैमिली मेम्बर। तो आप लोग के पास अभी बुक जिसके पास होगा वो कर लेंगे यहाँ पे, अपने यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए दिस इज माई ग्रैंड फादर, हिज नेम इज, तो यहाँ पर अपने ग्रैंड फादर का पिक्चर पेस्ट करेंगे और उनका नेम यहाँ लिखेंगे। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे ग्रैंड मदर, यहाँ पे मदर और यहाँ पे फादर, तो आप सबका नाम लिखेंगे और यहाँ पे उनका पिक्चर को पेस्ट करेंगे। ठीक है, तो ये आप लोग का होमवर्क रहेगा, आप लोग इसे कॉपी में अच्छे से कर लीजिएगा। ठीक है, ओके, बाय ऑल ऑफ यू एंड टेक केयर।